हमारे इंडिया में भी डीसी और मार्वल जैसा एक प्रॉपर कॉमिक यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है जिसे राज कॉमिक्स के नाम से जाना जाता है। अब मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने इनकी कॉमिक पढ़ी है या इनके कैरेक्टर्स के बारे में जानते हो, बट 90s के दौर में इसका क्रेज अपने चरम पे था। मैं अपनी बात बताऊं तो इनके कुछ कैरेक्टर्स लाइक नागराज और ध्रुव मेरे लिए सबसे प्रोमिनेंट हुआ करते थे। उस टाइम सुपरमैन, बैटमैन और स्पाइडरमैन जैसे कैरेक्टर्स हमारी पहुंच से काफी दूर थे, सो हमने इन्हीं कैरेक्टर्स को अपनी दुनिया मान लिया था। बट समय के साथ साथ चीजें डेवलप होती गई और इंडिया में भी फॉरेन कल्चरल इम्पैक्ट बढ़ा, साथ में वहाँ के सुपर हीरोज को देखना और पढ़ना आसान हो गया। इंटरनेट के आने के बाद चीजें फ्री में भी मिलने लगी, जिस वजह से कॉमिक कल्चर काफी हद तक खत्म हो गया। लोगों को अब एनिमेटेड सीरीज और लाइव एक्शन में दिलचस्पी आ चुकी थी, बट हमारा राज कॉमिक्स अभी भी वही था जिसकी दुनिया उन्हीं 64 पेजेस के रंग बिरंगे पन्नों में छिपी थी, जिससे वो बाहर ही नहीं आना चाह रहे थे। और इसकी भी वजह थी, जिसमें से एक बड़ा रीजन था लीगल बैटल बिटवीन फाउंडिंग मेंबर्स, जो कि उन्हीं भाइयों के बीच में था जिन्होंने इस कॉमिक्स की शुरुआत की थी। वो अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को अपने पास सहेजे रखना चाहते थे, भले ही वो पड़े पड़े सड़ जाए। बट शुक्र है कि एक भाई ने इन सभी कठिनाइयों को परे करके कुछ रिस्क लेने की सोची, और जो चीज आज से 20 साल पहले हो जानी चाहिए थी उसे इस दौर में बनाया गया। जी हाँ, राज कॉमिक्स के वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर संजय गुप्ता जी ने एक शॉर्ट वेब सीरीज की शुरुआत की है जिसका नाम है द अलायंस, जिसमें डोगा और सुपर कमांडो ध्रुव जैसे कैरेक्टर्स हैं। मैंने इस सीरीज का पहला एपिसोड देखा और मुझे इससे कोई परेशानी नहीं। टेक्निकल एस्पेक्ट से बहुत सारी कमियां गिनाई जा सकती है, क्योंकि कैरेक्टर्स का डिस्टिंक्टिव अपीयरेंस मेंटेन करना कंपैरिजन टू कॉमिक बुक नियर टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि उन्हें लाइव एक्शन में प्रैक्टिकल और बिलीवेबल दिखाना होता है। बट यार, कुछ बेसिक चीजें होती हैं जिसे फैंस उन्हीं तरीके से देखना चाहते हैं जैसा कि वो उसे इमेजिन करते थे। लाइक मुझे यहाँ डोगा का अपीयरेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कॉमिक बुक में ये एक एंटी हीरो होता है जो कि जुर्म को जड़ से मिटाता है, फिर चाहे इसके लिए किसी का खून ही क्यों न करना पड़े। पर्सनालिटी वाइज इसे एक हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर टाइप का मसल मैन होना चाहिए, बट इस सीरीज में हमें कुछ और ही देखने को मिल रहा है। एक शॉर्ट सा बंदा जिसकी तोंद भी निकली हुई है। हाँ, ध्रुव को काफी अच्छा दिखाया गया है और एक्टर ने काफी हद तक एक्टिंग भी सही की है। सीरीज का टोन भी डार्क रखा गया है ताकि फिल्म हमें गूफी न दिखे। छोटे से एपिसोड में हमें काफी ईस्टर एग्स भी देखने को मिलेंगे और कुछ अनएक्सपेक्टेड कैमियोज भी। राज कॉमिक्स को अगर जानते हो तो ये सीरीज आपके लिए ही बनी है, जरूर देखना। और अगर राज कॉमिक्स का नाम पहली बार सुना है तो नेट पे इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च कर लेना और एक दो अच्छी कॉमिक भी पढ़ लेना। स्टोरी के मामले में ये डीसी और मार्वल से कहीं भी कम नहीं, बस लॉजिक मत निकालने लग जाना। मेरे तो काफी इमोशंस जुड़े हुए हैं कॉमिक्स से। आपकी राय इस सीरीज के बारे में क्या है, कमेंट में अपनी राय जरूर रखना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।